वेलकम बैक टू माय चैनल ममता सिंह ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? हैप्पी संडे। और नहा धोवा के रेडी हो गए हैं। देखिए आज खाने में बन रहा है, छोले भटूरे की तैयारी हो रही है, आटा दूध गूंद के रेडी हो गया है, बन भी रहा है, बच्चे लोग खा भी रहे हैं। और इधर छोला बना करके रखे हुए हैं, देखिए फूले फूले भटूरे। तो बहुत दिन से मन कर रहा था, चना ला करके रखे थे, काबली चना मिलकर बनाते हैं, बच्चे लोग खिलाते हैं। डेली डेली क्या दाल चावल अच्छा नहीं लगता करता है, तो यही बना रहे हैं, तो बच्चे लोग खा रहे हैं। लाइट तो बंद है, कैसे दिखाएं? देखिए इधर दिख रहा है, तो सब कोई खा रहे हैं, सबको नहा धो के बैठ के मतलब कि खाना खा लो, नहा लो सब, ऐसे मन अच्छा लगे, फ्रेश व्रेश होके तो नाश्ता वास्ता करेंगे। डेली तो यही काम रहता करता है। तो हम लोग चलो आज बच्चे लोग को मन खुश कर दे, ऐसे मजाक से बोल रहे थे कि मछली खिलाएगी तुम लोग को, ताकि लोग को पसंद नहीं है नॉनवेज खाना ऐसे भी, और हम बनाते भी नहीं, छोड़ दिए बनाना ही। एक बार लोग खाता नहीं है, तब हम लोग इधर खाते नहीं, इतना महंगा है, कौन बनाएगा करेगा, ये सब बना कर। और लोग पसंद भी पड़ता है बच्चे लोग को। बहुत देर से आटा गूंद करके रखे थे, पूरा तो फूला फूला भटूरा बन गया, सोचे थे लेट हो जाएगा क्या बोले, फिर नहाने में धर कपड़ा भी थोड़ा चादर रहता है, क्योंकि पता नहीं बेड पे इतना चीटी आ रहा है, पता नहीं गर्मी से आ रहा है क्या आ रहा है पता नहीं, तो कपड़ा हमेशा दो दिन तीन दिन में धोना करना पड़ता है, नहीं तो क्योंकि ज़्यादा दिन तो हुआ भी नहीं है। पिछले ही संडे लग रहा, मंडे घर से आए थे, पूरा कट साफ किए थे, अब देख रहे हैं पूरा एकदम चीटी से भर जाता है। निकल के रेडी हो गया है, सब सिंपल तरीके से ही बनाए हैं, पता नहीं आप लोग कैसे बनाते हैं। फिर मैदा में कुछ मिला ही नहीं है, हल्का सा नमक एक चम्मच, आधा चम्मच चीनी दिए हुए हैं, और ज़्यादा कुछ डाले नहीं है, थोड़ा सा रिफाइन तेल लिए दो तीन चम्मच, गूंद करके रख दिए। दो घंटा हमको लग रहा है कि हो गया, साढ़े आठ बजे से ही गूंद करके रखे हुए थे, तो हम लोग ना सब्जी बन के रेडी हो गया था, तो हम लोग नहा हुआ लेते हैं, तो नहा हुआ करके आए तो बना दे रहे, क्योंकि बनाने फिर तो बहुत लेट हो जाती है, इसलिए नहा लेंगे आराम से खाएंगे, उस फिर देखेंगे दुरा के फूक लेंगे तो कुछ लोग बना देंगे। से सब्जी तो बचेगा ही, तो घुघनी मुड़ी खाया जाएगा, लाल चना था नहीं तो इसी का बना दिए, रखे थे बाबू का प्रोजेक्ट बनाने के लिए चना लाए थे, ज़्यादा चना जरूरत नहीं था, दो दिन को कहीं जरूरत था, हम एक पैकेट ले आए थे, कहीं खुलाते हुए तो मिलता नहीं, हम लेकिन ले लीजिए काम ही आएगा, और इसके पापा को पसंद नहीं पड़ता है काबली चना, पता नहीं अच्छा नहीं लगता उनको, लेकिन अभी गर्म गर्म बना दे तो खा लेंगे, लेकिन चुरा के नहीं खाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए ज़्यादा नहीं लाते करते हैं। 250 ग्राम का ही पैकेट था, वही लाए थे तो बन गया, और कल से फिर तेलों का हाई स्कूल खुला हुआ, आज तो संडे को हम लोग मस्ती कर रहे हैं, और सुबह से मौसम जो हो रहा है कि बारिश पड़े, लेकिन एक बूंद भी पानी पड़ा नहीं है, गर्मी से एकदम बुरा हाल है, सोचते बारिश पड़ जाएगा तो अन्य ठंडा ठंडा मौसम रहेगा तो बनाएंगे खाएंगे, उसी लिए हम सोचे भी थे बनाते हैं, लेकिन किसको क्या पता था कि इतना आग बरसेगा, इतना गर्मी बरसेगा, एक भी बूंद पानी का ठिकाना नहीं है। कल भी शाम कितना बादल आया था, मुझे बारिश पड़ने भी लगा थोड़ा बहुत, लेकिन नहीं पड़ा, पता नहीं और क्या होने वाला है इस गर्मी में। मई भी जून बीत गया, जून भी बीत गया, अब जुलाई आ रहा है, जुलाई मेरे हम बर्थडे है किसी का, बिटिया रानी का बर्थडे है जुलाई में, सोचे भी थे कि बर्थडे मनाएंगे लेकिन अब नहीं मना पाएंगे, क्योंकि लोग पढ़ता लिखता है ही नहीं, तो क्या करें, नहीं कुछ तो करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ तो करेंगे, बच्चा लोग थोड़ा सा खुश रहने के कुछ तो करेंगे। सिर्फ ड्रेस तो है, ड्रेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ड्रेस को मिला है मौसी घर से, तो आपको तो तैयारी करनी पड़ेगी, बच्चा लोग खुश के लिए क्या किया जाएगा,
गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, बिछाना बस के बाद में सोच दिल उसको घुमा दे बगल में तो जान पे का दोस्ती है, लेकिन नहीं जा पाएंगे। यही सब चलते गर्मी चलते नहीं निकलने का मन करता है। और कुछ कुछ एक्स्ट्रा काम भी रह जाता है संडे के लोग, प्रोजेक्ट बाकी है किसी किसी दोनों में थोड़ा थोड़ा बाकी है, फिर बनाने के मिला है बाकी तो नहीं, फिर से बनाने के लिए मिला है तो तैयारी करना पड़ेगा। ताकि यही सब होगा दिन भर से कपड़ा मंगाए हुए थे घर में पहनने के लिए, कप्तान नाइटी था, इतना बेकार कपड़ा दे रहा है, इतना बार मंगा लिया एक भी बार अच्छा कपड़ा नहीं दे रहा है। खा पी लिया और लास्ट में बचे हम, हमको तो अपने खुद बनाना खाना है, हमको तो लोग कोई बना के देगा नहीं खाने के लिए, तो खाना बनाने का काम किसी से नहीं पड़ सकता है। चाहिए क्या किशु? चाहिए और हाँ बोलिए ना आपको। ऐसे मैदा चीज ज्यादा नहीं खाना, पानी पिएंगे ना तो मन भर जाएगा। नान खाते होटल में तो कैसे लगता है, एक और खाना और गले खाने के बाद कितना परेशानी होता है, पानी पी लेंगे तो। हाँ नान पनीर बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। अच्छा वही सब बनेगा, ऐसे भी मांस मछली बहुत महंगा है, वही सब बनेगा। ट्राई करते दिन नान बना कर कैसे बनता है घर में, वो तो बनाना और आसान है, छानने नहीं चाहते ठीक रोटी बनाओ और बिल तवा में डाल, खाली इसका डो बनाने नहीं पड़ता यार, बनाने टाइम लग जाए बनाता, और सबसे आसान है छानने में ज़्यादा आसानी है। अब ठंडा दिन हल्का हल्का आएगा बारिश हो तो कुछ कुछ बनाएंगे खाएंगे। और इस तरह ब्लॉग में बने रहिए आप, कल मिलते हैं नए ब्लॉग में नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। गर्मी में बहुत मेहनत लगता है शूट करने में, पंखा को बंद करके सब शूट करना पड़ता है। ठीक है, ओके बाय।